नहीं चलेगी ये सरकार। और सब पे चर्चा क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती? और सब पे चर्चा क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती? और स्वास्थ्य कर्मियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। और स्वास्थ्य कर्मियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। झूठी गारंटी देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये झूठी गारंटी देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और स्वास्थ्य कर्मियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। और स्वास्थ्य कर्मियों को बहाल करो, नहीं चलेगी ये सरकार। सोनिया गांधी को कर दो तार, नहीं चलेगी ये सरकार। ठीक है बलवीर, नियम 67 के तहत जो है आपने प्रस्ताव की चर्चा की मांग आपने की थी, क्या है आपके विरोध की वजह, क्या है सर? पिछले दो दिनों से मुख्यमंत्री हाउस में नहीं है और बजट 70 दीपक आजकल चल रहा है। आज जो नियम 67 के अंतर्गत हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय 9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव लाया था और उसकी वजह यह थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। इस बजट में कहीं भी नौकरी देने का उस प्रकार से जिक्र नहीं है। उल्टे जो छोटे कर्मचारी जिनको एक अस्थाई व्यवस्था के अंतर्गत आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है, उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश में और सोर्स में लगे कर्मचारी अलग अलग विभागों में, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, चाहे वो हेल्थ है, और हेल्थ में तो यहां तक के जब पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी और सोर्स में जो कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। नेचोक मेडिकल कॉलेज में, टांडा मेडिकल कॉलेज में और इसके अलावा दूसरी जगह, और जब चंबा में मेडिकल कॉलेज चंबा में जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों हटाए जा रहे हैं तो जवाब देने के लिए उनके पास कोई उसका उत्तर नहीं है। और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस सरकार यही प्रयत्न कर रही है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान किसी को अगर दिहाड़ी पर भी लगाया है, छोटा सा भी रोजगार मिला है, छोटा सा भी काम उसका हुआ है, उससे उसको वंचित कैसे कर सके, उस तरह से प्रयत्न कर। हम इस बात से सहमत हैं कि जो हमारे आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं उनको नीति के अंतर्गत उनको स्थायी करने में कठिनाई है, टेक्निकल इश्यूज हैं उसमें, लेकिन हमारी सरकार ने कमेटी बनाई थी और कमेटी बना करके ये तय किया था कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं उनके लिए हम कॉरपोरेशन बनाएंगे हरियाणा की तर्ज पर, और उसके साथ एक कमिटमेंट, हॉनेस्ट कमिटमेंट हमने की थी, और वो कमिटमेंट ये की थी कि हम हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स में लगे कर्मचारी उनको जहां वो लगे हैं वो यथावत चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट भी अगर पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसको रिन्यू करने का प्रावधान करेंगे, लेकिन उनको नौकरी से नहीं हटाएंगे, उनको रोजगार से वंचित नहीं करेंगे। लेकिन वर्तमान सरकार ने बहुत जल्दी 3 महीने के कार्यकाल में बड़ी संख्या में जो आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हजारों की तादाद में इस वक्त आउटसोर्स कर्मचारियों को हटा दिया गया है, उनका भविष्य अधर में है, जो अपने 2 वक्त की रोटी रोजी का गुजारा उस नौकरी के माध्यम से करते थे, और विशेष तौर से कोविड के दौर में जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके काम किया उनको भी हटा दिया।
इसलिए सरकार में संवेदनशीलता है नहीं, मानवीय दृष्टिकोण है ही नहीं, सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ सारी चीजें कर रहे हैं। और इसलिए हमने आज तय किया कि नियम शासन के अंतर्गत ही आज विधानसभा के सत्र में काम रोको प्रस्ताव लाएंगे। हमने प्रस्ताव लाया और हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे अध्यक्ष महोदय हमें उस पर चर्चा करने के लिए अनुमति देंगे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि प्रश्न के उत्तर में बहुत सारे जवाब आ चुके हैं, प्रश्न जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक और डिपार्टमेंट स्पेसिफिक, लेकिन ये तो पूरे प्रदेश का विषय है, सभी विभागों से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए वो उस उत्तर से हम संतुष्ट नहीं, और कांग्रेस पार्टी की सरकार की ओर से भी कोई जवाब इस पर देने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित नहीं है, मुख्यमंत्री जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप जो किया जा सकता है उसके विपरीत, जो नहीं किया जा सकता उसके विपरीत जाकर के अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेता की जमानत के लिए जाकर के गुजरात पहुंचे हुए। आज मुझे मालूम नहीं आज आएंगे कब आएंगे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था इस चीज की इजाजत नहीं देती। कोर्ट के कैंपस में जाकर के तीन तीन प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर के इस प्रकार से अपने नेता को जिसको कोर्ट ने सजा दी है उनको बचाने के लिए, उनकी गुहार करने के लिए, उस सारी न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए वहां पहुंचे, इसकी भी हम निंदा करते हैं। थैंक यू, बहुत ही नहीं चलेगी, झूठी घंटी देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और स्वास्थ्य कर्मियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। और स्वास्थ्य कर्मियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। झूठी गारंटी देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झूठी गारंटी देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और स्वास्थ्य कर्मियों को बहाल करो।